हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो फिनिश कर दिया है, दैट इज लिनियर कोरिलेशन। लिनियर कोरिलेशन बेसिकली मैं आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। अगर वो क्लियर हो चुका है तो ही आप लोग मो करना चैप्टर नंबर 3 पे, एल्स आप लोग पहले ना, मैं बोलूंगी कि आप लोग चैप्टर नंबर 2 पहले क्लियर कर लो, बिकॉज जब तक चैप्टर नंबर 2 क्लियर नहीं होगा चैप्टर नंबर 3 जो है इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा। बेसिकली चैप्टर नंबर 3 की जो बात करें वेटेज की, तो वेटेज सेम है एज पर चैप्टर नंबर 2, इसीलिए मैंने बोला कि चैप्टर नंबर 2 जो है आपको क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार चैप्टर नंबर 2 का रेफरेंस आपको देती रहूंगी कि ये चैप्टर नंबर 2 में था, ये चैप्टर नंबर 2 में था, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, राइट। इसीलिए मैंने सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेज की बात करें तो वेटेज है 12 मार्क्स का, और 12 मार्क में आपका सेक्शन ए जो है दैट इज 1 MCQ, सेक्शन बी 1 SQ, शॉर्ट क्वेश्चन होगा थियरी का, आपको कोई भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, आपको लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है वो पूछ सकते हैं, या किसने लीनियर रिग्रेशन को फर्स्ट टाइम फाइंड आउट किया ये पूछ सकते हैं। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं इसी लेक्चर में आपको थियरी में कंप्लीट करवाने वाली हूँ, तो इस लेक्चर में आप थियरी को स्किप मत करना। बेसिकली लोग क्या सोचते हैं कि थियरी इम्पोर्टेंट नहीं होती, बट बिना थियरी कभी भी आप स्टैटिस्टिक्स में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यस, डेफिनेटली आप लोग सम सॉल्व कर पाओगे, बट उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो आप कभी नहीं कर पाओगे विदाउट थियरी, राइट। सो थियरी इज ऑलवेज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में एक छोटू सा सम भी पूछ सकते हैं, एज वेल एज थियरी का क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से थियरी के जो क्वेश्चंस हैं 2-3 मार्क वाले, वो बस गिन चुन के 1-2 है, सो थियरी आने के चांसेस कम है। सम नंबर सेक्शन डी में 3 मार्क का एक सम एंड सेक्शन एफ में 5 मार्क का एक सम, 4 मार्क का सम यहाँ से नहीं आता, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में से भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपना इस चैप्टर का वेटेज की बात हो गई। अब हम मूव करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज रिग्रेशन, राइट। सो रिग्रेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार क्विक रिकैप दे देती हूँ ऑफ लीनियर कोरिलेशन। व्हाट इज लीनियर कोरिलेशन, तो दो ऐसे वेरिएबल्स एक्स एंड वाई के जिसके बीच में कुछ कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन है। Now what is cause and effect? So एक में change होता है और उसके कारण, उसके reason से दूसरे में कुछ effect आता है, कुछ result, कुछ change आता है, तो उसको हम बोलते हैं cause and effect relation. Say for price and demand, price increase होना ये एक cause है और उसका result, as a result to price increase, रिजल्ट क्या होना है, डिमांड विल बी डिक्रीज। तो डिमांड डिक्रीज हुआ, ये वन टाइप ऑफ उसका क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। सो प्राइस को हम बोल सकते हैं वेरिएबल एक्स, बिकॉज प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड डिपेंडेंट है, बिकॉज जैसे ही प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होनी है, डिमांड उसके कारण इंक्रीज डिक्रीज होती है। Is it clear? So price and demand, अगर ये दोनों की बात करूं, so price is independent variable and demand is dependent variable. और दो ऐसे variable कि जो correlated है, मतलब दोनों के बीच में cause and effect वाला relation है, उसके बीच के relation का type find out करने के लिए हम पढ़े linear correlation. लीनियर कोरिलेशन से ये पता चला कि दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन। अब पॉजिटिव रिलेशन है तो पता लगेगा कि एक्स कम होगा तो वाई भी कम होगा, एक्स बढ़ेगा सो वाई भी बढ़ेगा, राइट, ऐसे। बट नेगेटिव रिलेशन है तो एक्स कम होगा तो वाई बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो वाई कम होगा, मतलब कुछ ऐसे रिलेशन है। समझ में आया, नेगेटिव रिलेशन ऐसे है जबकि पॉजिटिव रिलेशन ऐसे है, बढ़ेंगे तो दोनों साथ में और कम होंगे तो भी दोनों साथ में, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन पता लग सकता है। ठीक है, प्लस हमें ये पता लगा जब हमने आर फाइंड आउट किया, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट किया, तो पता चला कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज्यादा वीक है, ये पता चला, राइट। बट बेसिकली क्या हुआ कि
इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला है, चलो हम एक बिजनेसमैन है। देखो हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली हम अभी कॉमर्स पढ़ रहे हैं और कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स हमें एज अ बिजनेसमैन यूज करना है। अब हमने क्या किया कि भाई कोरिलेशन फाइंड आउट कर लिया, बट कोरिलेशन फाइंड आउट करने के बाद हमको ये पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कौन कौन सी चीजें ज्यादा कोरिलेटेड है। बट देन हमको ये पता चल गया कि हमारा सेल्स एंड हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ये दोनों ही कोरिलेटेड है, ठीक है, कि हम अगर हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ाते हैं देन डेफिनेटली सेल्स इंक्रीज डिक्रीज होगा, अगर हम हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एकदम कम कर देते हैं तो सेल्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का हमने रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक डेटा कि लास्ट के पास्ट ईयर के कुछ हमारे डेटा थे, इसके ऊपर से हमने क्या किया आर फाइंड आउट कर लिया। सेफ और अगर आर 0.7 आया तो हम ये कह सकते थे कि हमारे बिजनेस में एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, बट पूरा नहीं इम्पैक्ट करता ऐसे भी नहीं कह सकते, बिकॉज 0.5 मतलब कुछ हद तक तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ऐसा बोल सकते हैं। राइट, सो हमारे बिजनेस का हमने कोरिलेशन निकाल लिया कि हमने कितनी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट करनी है और कितनी उससे सेलिंग होगा, इन सबके बीच का कोरिलेशन फाइंड किया। बट नाउ मुझे इस डेटा से ये प्रिडिक्ट करना हो कि मुझे 2021 में कितना एडवर्टीजमेंट करना होगा कि जिससे मेरा सेल्स बढ़ के इतना हो जाएगा, देन डेफिनेटली आप लोग बोलोगे कि ऐसे क्वेश्चंस तो आए ही नहीं है कोरिलेशन में कि जिसमें हमारे पास एक वैल्यू थी और दूसरे को हमने प्रिडिक्ट किया। राइट, बिकॉज एज यू नो अगर आप लोगों ने सारा पूरा चैप्टर अच्छे से किया, मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको पता है कि कोई भी सम में ऐसा नहीं आया है, हर एक सम में ऐसा बोले कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करो, दैट मीन्स कि हमें आर फाइंड आउट करने का ही बोला गया है। राइट, सो अब इस चैप्टर में हम ये करेंगे, ठीक है। भाई देखो जैसे ही अपग्रेडेशन आता है, जैसे ही दिन चले जाते हैं, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। जब बहुत ही पहले लोग कच्चा पक्का खाते थे तो उस टाइम पे उनको जब वो पत्थरों से जो फायर हुआ वो भी बहुत अच्छा लगता था, राइट। बट जैसे ही वो मैच बॉक्स का ये हुआ तो उसके कारण फिर उनको पत्थरों वाली चीज अच्छी नहीं लगती थी, और अब जैसे ही लाइटर आ चुका है तो आप लोग मैच बॉक्स भी पसंद नहीं करते हो। राइट, तो ऐसे जो है कि एक भी नई चीज आती है तो उसके कारण पुराने का जो है लिमिटेशंस आ जाता है, हमें पुरानी चीज अच्छी नहीं लगती है। तो जस्ट वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, जैसे ही हमारा कोरिलेशन चैप्टर फिनिश हो गया हम अब बोलेंगे कि कोरिलेशन से तो ये नहीं कर सकते थे, कोरिलेशन से वो नहीं कर सकते थे, बट रिग्रेशन से हमारा ये काम बन जाता है, ये काम हो जाता है। सो रिग्रेशन इज बेटर देन कोरिलेशन, ऑब्वियसली। व्हाई? बिकॉज रिग्रेशन बेसिकली यूज क्यों होता है कि हमारे पास कुछ पास्ट ईयर का डेटा है, अब हमको फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्शन करना है तो हम डेफिनेटली रिग्रेशन के थ्रू कर सकते। सपोज हमारे पास लास्ट 100 ईयर्स का डेटा है कि हम हर 10 ईयर पे जो सेंसस करते हैं पॉपुलेशन काउंटिंग, तो हर 10 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, हमारे पास ये डेटा है। अब इसके ऊपर से ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या कर पाएंगे कि 2021 में कितना पॉपुलेशन होगा, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही चीज इकोनॉमिक्स के साथ ऐसे जुड़ी हुई है कि जब इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो कुछ ऐसे स्टडीज करते हैं तो उस टाइम पे उनको ऐसे प्रिडिक्शंस करने जरूरी होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट प्रिडिक्शन वो लोग स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, ठीक है। गुजरात बोर्ड में स्टैटिस्टिक्स एक पूरा अलग से सब्जेक्ट दिया हुआ है, बट देन अगर हम ICSE और CBSE की बात करें तो उसमें इकोनॉमिक्स के साथ ही स्टैटिस्टिक्स को जोड़ दिया गया है। द रीजन बिहाइंड दैट इज यही कि नॉर्मली क्या है कि जब इकोनॉमिस्ट कोई भी स्टडी करेगा, कोई भी नतीजे पे पहुंचेगा, उससे पहले उसको ना स्टैटिस्टिक्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी। कोई भी ऐसे ही एरे गेरे कुछ भी नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसे हो गया ऐसे हो गया, उन लोगों के पास डेटा होना जरूरी है और उसके ऊपर से वो लोग प्रोसेस करके प्रिडिक्शन करते हैं।
राइट। तो इसीलिए स्टैट्स और इकोनॉमिक्स का दोनों का कुछ इस तरीके का रिलेशन बनता है। रिग्रेशन इकोनॉमिस्ट भी यूज करते हैं, रिग्रेशन बिजनेसमैन भी यूज करते हैं, रिग्रेशन गवर्नमेंट भी यूज करते हैं, और कोई भी नॉर्मल जो सर्वेयर्स होते हैं जिनको कुछ सर्वेज करने होते हैं वो लोग भी रिग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली रिग्रेशन यूज क्यों होगा ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसका पर्पस पता होना जरूरी है आपको। तो रिग्रेशन का पर्पस ये है कि जब भी आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है, इसके ऊपर से आप कोई भी चीज को प्रिडिक्ट करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू कैन डू दिस विथ लीनियर रिग्रेशन। Is it clear? Then, अब मूव करते हैं हम बुक में। अब मेरा जो चप्पड़ चप्पड़ है वो खत्म हुआ, आप बुक में देख लो। अपना जो मीनिंग है वो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करने की ट्राई की हुई है। ये मीनिंग है, डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन हम पीछे पढ़ेंगे। ठीक है, सो लिटरल मीनिंग जो है वो कुछ इस तरीके से है कि जो रिग्रेशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बताया था? सर फ्रांसिस गॉल्टन ने। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि एक मार्क में बहुत सी बार पूछ चुके हैं, इवन इन एमसीक्यूज ये बहुत सी बार पूछ चुके हैं कि रिग्रेशन फर्स्ट टाइम टर्म यूज किसने किया था, देन सर फ्रांसिस गॉल्टन ने। ठीक है, ओके, आपको लीनियर कोरिलेशन का पता होगा कि लीनियर कोरिलेशन सबसे पहले किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने। बट रिग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किसने टर्म यूज किया था? तो सर फ्रांसिस गॉल्टन ने। ये बाद में पूरे बुक्स में कहीं पे भी नहीं आता है तो आप लोगों को लगेगा ये कभी नहीं सुना है, बट प्लीज याद रखना इसको, ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है। आप लोग बुक में अंडरलाइन कर लेना, और इवन जब आप थियरी पोर्शन अपनी नोटबुक में राइटिंग करने बैठते हो तब भी आप ये पॉइंट याद करके लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि टॉल फादर हैव अ टॉल सन एंड शॉर्ट फादर हैव अ शॉर्ट सन। ये क्या हो जाता है? हमारा कोरिलेशन, राइट। बट हमको प्रेडिक्ट करना है कि अगर कोई फादर की हाइट इतनी है तो उसके बच्चे की हाइट क्या हो सकती है। हो सकती है, मैं अगेन बोल रही हूँ, प्रेडिक्शन नेवर बी परफेक्ट और एक्यूरेट। समझ में आ रहा है? यहाँ पर प्रिडिक्शन हो रहा है और प्रिडिक्शन जेन्युइन प्रिडिक्शन होगा। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा उतना ज्यादा हमारा जेन्युइन कोरिलेशन आएगा, सॉरी उतना ज्यादा हमारा जेन्युइन प्रिडिक्शन आएगा। ठीक है, सो प्रिडिक्शन है तो कभी भी परफेक्ट तो नहीं ही हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि 2021 में इतनी ही पॉपुलेशन होगी, ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज ऑफ कोरोना क्या होगा नहीं पता। सो ऑलवेज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, एक्सेप्शंस होते ही है, बट यस हम वेरी नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ रिग्रेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मॉडल ऑफ लीनियर रिग्रेशन, तो यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप जो होता है, कोई भी दो वेरिएबल का फंक्शनल रिलेशन, तो उसको कहते हैं हम लीनियर कोरिलेशन मॉडल, सॉरी लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, सो मैथमेटिकली कभी कोई भी चीज को प्रेजेंट किया जाता है या फंक्शनली कोई भी चीज को ये किया जाता है। फंक्शनली मतलब कि x में 1 यूनिट का इंक्रीज तो y में कितना, इसको हम एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 5y, राइट। तो इस चीज को हम बोलेंगे लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नाउ वी शैल डिफाइन लीनियर रिग्रेशन मॉडल एज फॉलो। 1 मार्क के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, y is equals to alpha plus beta x plus u, where y is equals to dependent variable. Dependent कैसे? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि price and demand जो है, उसमें demand जो है वो dependent है, price independent है। Price की increase decrease होने के कारण demand increase decrease हो रही है, right? So जो effect वाला variable है उसको हम कहेंगे dependent. इफेक्ट वाला। ठीक है, यस, वन मोर एग्जांपल कि बारिश आएगी सो क्रॉप की यील्ड बढ़ेगी। बारिश ज्यादा होगी तो क्रॉप की यील्ड बढ़ेगी। नाउ बारिश ज्यादा हुई वो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये मेरा कंट्रोलेबल नहीं है। बारिश ज्यादा होना कम होना कंट्रोलेबल नहीं है, वो तो जैसे होना है होगा, बट उसकी इफेक्ट क्या आई, तो उसके लिए इफेक्टेड जो वेरिएबल है वो है यील्ड, यील्ड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगा,
समझ में आ रहा है. सो प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल. सो यील्ड मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और रेन मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ठीक है, ऐसे ही एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स की बात करें, देन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट एंड सेल्स इज डिपेंडेंट. आप एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ाओगे तो सेल्स बढ़ेगा. सो सेल्स बढ़ा वो इफेक्ट है. इज इट क्लियर? सो बेसिकली ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो फंडा है इसको बहुत ही माइंड में क्लियर रखना, ये आगे चल के आपको बहुत ही काम आएगा. देन आपके अल्फा बीटा जो है वो कुछ कांस्टेंट होते हैं, वो हमें यूज करने रहेंगे, फाइंड आउट करने रहेंगे. हमारे ए एंड बी होते हैं सम में, सम करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा. एंड ऐसे भी कांस्टेंट का मतलब आपको पता होगा कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो जो है वही रहेगी, उसमें हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते हैं. एक्स एंड वाई हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट? उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसीलिए उसको वेरिएबल कहते हैं, जिसकी वैल्यू वारी होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है. जबकि अल्फा एंड बीटा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू फिक्स होगी. एंड देन यू जो है वो है डिस्टर्बेंस वेरिएबल ऑफ अ मॉडल. मतलब कि हम कोई भी चीज को एस्टिमेट करेंगे तो हमको उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर्स मिलेगी, और वो जो डिस्टर्बेंस हमको मिलता है दैट इज यू. इसका ज्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस आपको इतना सा अभी याद रखना पड़ेगा या काइंड ऑफ रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सम स्टार्ट नहीं करेंगे ना ये मॉडल आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा. बट जैसे ही सम स्टार्ट होता है, बिलीव मी, ये मॉडल आपको पूरा लर्न हो जाने वाला है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि डेफिनेशन जो है आगे जो है ये सारी चीजें वो कथा के फॉर्म में है. मैं नहीं बोलूंगी कि आपको 100% पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, बट यस, ये रिग्रेशन की जो डेफिनेशन है लीनियर रिग्रेशन की, वो करनी ही पड़ेगी. सो अ मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल. कोरिलेटेड लिखना बहुत जरूरी है, आप अंडरलाइन कर देना वर्ड कोरिलेटेड को. विच हेल्प इन एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब वाई को एस्टिमेट करने के लिए हम जो भी एक फंक्शनल रिलेशनशिप यूज करते हैं उसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन. बहुत ही सिंपल और ईजी डेफिनेशन है कि दो कोरिलेटेड वेरिएबल जो है उसमें हम एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एस्टिमेट करने के लिए जो भी फंक्शनल या मैथमेटिकल रिलेशनशिप यूज करते हैं उसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन. वेरी सिंपल, वेरी इजी हो गया. और एक बार रीड कर लो, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा. मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू, अब रिलेशन है तो किसी के बीच का तो होगा, किसके बीच का तो बोले टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स. कैसे वेरिएबल्स? तो विच हेल्प इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. समझ में आया? जो हेल्प करता है हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करने में. ठीक है, तो ऐसे फंक्शनल रिलेशनशिप को हम कहेंगे लीनियर रिग्रेशन. इज इट क्लियर? वेरी क्लियर. आगे बढ़े. फिटिंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन. यस, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज द फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन. अब रिग्रेशन लाइन जो है उसका मतलब होता है कि हम प्रिडिक्ट कर, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक जो हमने बोला अभी ये मॉडल बोला, वो मॉडल हम जो आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसके थ्रू हम कोई भी चीज को इजीली एस्टिमेट कर पाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे रिग्रेशन लाइन. ठीक है, ये लाइन कोई ऐसी या ऐसी या ऐसी लाइन नहीं है. जैसे आप लोगों ने पॉवर्टी लाइन बचपन से सुना होगा, सो पॉवर्टी लाइन इज नॉट अ ज्योमेट्रिक लाइन. तो ऐसे ही रिग्रेशन भी है. हाँ, कुछ हद तक ये ज्योमेट्रिक लाइन है in method of scatter diagram, but in case of method of least square it is not a geometric line. ठीक है, ये एक mathematical, उधर एक function है, functional relationship है, ठीक है, between two variable. So regression line जो है उसको fit करने के लिए हमारे पास दो formula रहेगा. एक scatter diagram जो आप नाम कहीं सुन चुके हो in correlation, and the second method is method of least square. जैसे हमने स्कैटर डायग्राम के सम स्किप किए थे, अगेन मैं यहाँ पर भी स्कैटर डायग्राम वाले सम स्किप करूंगी, बिकॉज उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो ग्राफ पेपर पे करने होते हैं और बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है. तो वो मैं आपको अपनी जब भी स्कूल रीओपन होगी तभी मैं स्कैटर डायग्राम आपको ग्राफ पेपर पे कर पाऊंगी. बट उसकी जो थियरी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगी, एंड देन उसके बाद वाले लेक्चर में हमारा जो लिस्ट स्क्वायर मेथड के सम्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे. लिस्ट स्क्वायर मेथड में ज्यादा थियरी नहीं है,
उसमें थोड़ी सी थियरी लेके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो आपको कोई भी डाउट है, यस, आपके जेन्युइन वाले डाउट्स हैं, तो आप लोग मुझे डेफिनेटली बता सकते हो और मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तो मैं कहीं ना कहीं आपके डाउट्स जो है उसको क्लियर करने की ट्राई करूंगी। जय हिंद, जय भारत।